कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उन लोगों से भी नहीं है जिनको अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारी संवेदना सुशांत के साथ है, सुशांत के परिवार के साथ है, इस पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश जानना चाहता है कि इसमें क्या हुआ। अब जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई होगी। तो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। खुश और ना खुश होने का मेरा व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है। आई ओनली वॉन्ट दैट ट्रूथ मस्ट कम आउट कि व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस सुशांत केस। दैट मिस्ट्री हैज टू बी अनफोल्डेड, वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई? नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है, और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी, करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। तो हम उस पर क्या कमेंट करें? एनसीबी कह रही है तो ड्रग का ऐसा धंधा है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये तो पूरा छोटे लोग ड्रग का धंधा छोटे स्तर पर करते हैं, और बड़े स्तर पर जो ड्रग का धंधा होता है, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं हम, उसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे। देखिए, औकात का मतलब होता है स्ट्रेचर। तो मैंने कहा था, आई डिडंट वांट टू हर्ट हर और एनीबॉडी, माय इंटेंशन इज नॉट, मेरा संस्कार ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुखी करूं। माय पर्पस वाज नॉट टू हर्ट एनीबॉडी, टू ह्यूमिलिएट एनीबॉडी, इट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कि स्ट्रेचर उनका नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करें। उसको हमारे यहाँ औकात बोलते हैं भोजपुरी में, उसका निगेटिव सेंस ले लिया गया, निगेटिव अर्थ लिया गया, मीडिया पर ट्रोल किया गया। मैंने उसी समय कहा कि भाई माई इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट और ह्यूमिलिएट एनीबॉडी, तो हमारा ये पर्पस ही नहीं था। आई हैव नेवर डन दिस इन माय लाइफ, आई हैव नेवर हर्ट और ह्यूमिलिएटेड एनीबॉडी इन लाइफ। वही नेता जो आपके सवाल खड़े कर रहे थे, वो एक लड़की को हरामखोर बोलते हैं, नॉटी बोलते हैं, वही संजय राउत। देखिए, सबका अपना अपना संस्कार है, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस? आई डोंट हैव यू नो अथॉरिटी एंड आई डोंट हैव दिस इज अथॉरिटी टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पर्सन, दैट इज नॉट माय बिजनेस कि वो किस पर क्या बोलते हैं। तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, मेरे खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने एक महिला के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने बिहार पुलिस के खिलाफ बहुत ही अशोभनीय बात कही। मैंने कभी कोई प्रतिक्रिया दी? मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? वो बहुत बड़े हैं, उनका स्ट्रेचर, उनकी औकात हमसे बहुत बड़ी है, हम उन पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं?